देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। निर्दलीय प्रत्याशी नेहा किन्नर के चुनाव मैदान में कूदने से इस बार अम्बा विधानसभा का गणित राजनीतिक समीक्षाकारों के लिए एक पहेली बन चुका है। जनचर्चा अनुसार सुरक्षित अम्बा विधानसभा सीट से जहां निवर्तमान विधायक सत्यप्रकाश बसपा और भाजपा कांग्रेस से कमलेश जाटव गब्बर सखवार चुनाव मैदान में है, तो वहीं किन्नर होने के बावजूद विकास का मुद्दे बनाकर निर्दलीय तौर पर नेहा किन्नर के चुनाव मैदान में कूदने से मुकाबला अब रोचक बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि अम्बा की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। मुरैना जिले की अम्बा विधानसभा में हम मौजूद हैं। अम्बा विधानसभा में कांग्रेस भाजपा बसपा के अलावा निर्दलीय तौर पर किन्नर समुदाय से नेहा किन्नर चुनाव मैदान में। हम उनसे जानेंगे कि उनके वो चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्यों वो राजनीति में आई। नेहा जी, आप बताएं राजनीति में आने का आपका मेन मकसद क्या है? जी, जनता की सेवा। जनता की सेवा जी। आपके अम्बा को लेकर क्या मुद्दे हैं? आप किस माध्यम से राजनीति के कौन से माध्यम से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं? अम्बा में एक तो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ विकास नहीं है कहीं, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्सें नहीं है और स्टाफ भी नहीं है, बहुत कम स्टाफ है। वो कौन सी भावना रही जिससे आप राजनीति के लिए प्रेरित हुई? जी, विकास। विकास की भावना। आज आपने कहाँ कहाँ जनसंपर्क किया? हमने रजौदा पंचायत में। रजौदा पंचायत जी, धर्मगढ़ और रछेड़ और कोथर और जी अपने। अच्छा, इन क्षेत्रों में आपने आज जनसंपर्क किया? जी जी जी। खबर समय जगत के लिए नरेंद्र सिकरवार के साथ ऋतु दुबे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।